डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें कमी हो सकती है जो रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन के दौरान बहुत ही ज़रूरत होती है और वो नुकसान हो जाता है, या रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से ऑर्गन ख़राब हो जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ कृष्ण सिंह और आप देख रहे हैं द टाइम्स पर। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें का पहला पॉइंट हो जाएगा प्रोस्टेटोमेगेली हो जाएगा। प्रोस्टेटोमेगेली को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको कहते हैं प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि प्रोस्टेट ही प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। किससे? प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, जो कि एसेसरी सेक्स ग्लैंड होता है। क्या होता है? एसेसरी सेक्स ग्लैंड, सहायक ग्लैंड होती है, सहायक ग्रंथि होती है। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट में तीन जो एसेसरी ग्लैंड्स होती है, जैसे कि सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड्स, उसमें का जो सेकंड वाला प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, इसी में डिफॉर्मिटीज पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नुकसान होने की वजह से पूरी तरह से डैमेज हो जाता है हम लोग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए समझते हैं। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो पहला प्रोस्टेटोमेगेली बताया है, इसमें पहले पढ़ेंगे। एक तरीके से दिस इज़ अ एनलार्जमेंट ऑफ अ प्रोस्टेट ग्लैंड इफ इट ऑफन अकर ओल्ड एज। एक तरीके से हम इसको समझें तो आमतौर पर ये बूढ़े यानी वृद्ध अवस्था में ही ये चीज़ों को देखने को मिलता है, क्योंकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो बड़ी हो जाती है। मैंने बताया था कि चेस्टनट स्ट्रक्चर को होता है, कैसा? चेस्टनट, इसमें से यूरेथ्रा रन करती है, ये ऐसा होता है। ठीक है, तो ये इसकी साइज़ इंक्रीज़ कर जाती है। जैसे ही इंक्रीज़ होती है तो ये चीज़ें हमको आमतौर पर देखने को कहाँ मिलता है, किस एज में? ओल्ड एज में देखने को मिलता है। इसके वजह से लार्ज होने की वजह से क्या हानियाँ होती हैं? इसके इंक्रीज़ करने की वजह से यूरेथ्रा को ब्लॉक करता है, यानी यहाँ से यूरिन पास करना हो, सीमेन पास करना हो, तो ये दिक्कत हो सकती है। ब्लॉक यूरेथ्रा कॉजिंग द फ्रीक्वेंट नाइट यूरिनेशंस, नॉक्टूरिया, डिफिकल्ट और पेनफुल मैच्यूरेशन। एक तरीके से समझेंगे, ये यूरिनेशन यानी जो पेशाब करने की जो प्रोसेस होती है, उसमें करने में क्या होता है, वो रात को ही हो जाता है, ना चाहते हुए भी रात को हो जाता है। और साथ ही साथ मैच्यूरेशन एक ऐसा जो रिलैक्सेशन मोमेंट होता है जो उसमें हम यूरिनेशन के बाद जो फील करते हैं, पर ऐसा नहीं होता है, ये पेनफुल और डिफ़िकल्ट तरीके से बहुत ही मुश्किल से यूरिनेशन की प्रोसेस हो पाती है। ये भी चेस्टनट स्ट्रक्चर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके बढ़ने की वजह से ये नुकसान हो सकता है। आगे जानते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड अगर बड़ा हो जाता है तो वो कैंसर का रूप ले सकता है। जैसे कि मैंने लिखा है, प्रोस्टेट ग्लैंड इज अ वेरी कॉमन इन मेन, कैंसर कॉमन होता है। इट इज़ बी ट्रीटेड सर्जिकली और विद अ ड्रग्स के जरिए या तो सर्जिकली थ्रू निकाला जा सकता है। तो हमने प्रोस्टेट ग्लैंड यानी प्रोस्टेटोमेगेली के नाम से तीन पॉइंट समझा। एक, जो कि हम लोग की वृद्ध अवस्था में इस चीज़ को आमतौर पर देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इसके बड़े होने की वजह से यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है, रात को ही यूरिनेशन हो जाती है और पेनफुल होता है मैच्यूरेशन, साथ ही साथ इसके इंक्रीज़ करने से कैंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको व्याख्या में याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर की जो पॉइंट है, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या होता है? दिस इज इन एबिलिटी ऑफ मेल टू अचीव एंड मेंटेन इरेक्शन ऑफ द पेनिस लॉन्ग एनफ टू इंगेज इन अ कंप्लीट कोपरेशन। कोपरेशन यानी, आपको मैंने पहले बताया था, ये दूसरा नाम होता है सेक्स का, यानी ये सेक्स का दूसरा नाम कोपरेशन होता है। तो कोपरेशन के दौरान क्या होता है, आप पेनिस का जो इरेक्शन है वो स्टिफनेस और जो हार्डनेस है बरकरार नहीं रख पाते हैं, और वो कोपरेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता है। अच्छी तरह से जो प्लेजर सेंसेशन मिलनी चाहिए या जो ऑर्गेज्म होना चाहिए वो चीज़ें नहीं हो पाती है, तो वो चीज़ें इम्पोर्टेंस डिफॉर्मिटीज में आती हैं। यानी आपका इरेक्शन शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए, क्या क्या आप लिख सकते हैं, इरेक्शन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, इरेक्शन हो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, उसे हम इम्पोर्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब बांझपन। कैसा बांझपन? ऐसे दो तरीके के बांझपन देखे जा सकते हैं। एक में स्पर्मेटोजुआ यानी स्पर्म का प्रोडक्शन हो ही ना, और अगर स्पर्मेटोजुआ का प्रोडक्शन हो भी रहा है तो वो कैपेबिलिटी ना रख पाएँ कि ताकि वो ओवा से फर्टिलाइज हो सके। तो यहाँ पर लिखा है, इनएबिलिटी ऑफ मेल स्पर्म्स टू फर्टिलाइज द ओवम, इट मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विद द इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस में कंडीशन यहाँ पर ये है कि
कि इम्पोर्टेंस मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इरेक्शन हो रहा है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन में इरेक्शन मैंने अभी बच्चे से बताया इम्पोर्टेंस, तो शॉर्ट ड्यूरेशन इरेक्शन होगा तो सीमेन जो है वो वजाइना में नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, या स्पर्मेटोजोआ जा रहा है पर ओवा से क्या करा फर्टिलाइज नहीं कर रहा, क्या करा फर्टिलिटी की कैपेबिलिटी को नहीं रख रहा है तो फर्टिलाइज नहीं कर रहा है, तो मिलेगा तो उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, अगर नहीं मिला तो सीधे सीधे फर्टिलाइज नहीं होगा, तो मिलने न मिलने पर दो रीज़न हो सकता है, तो आपको समझ में आ गया कि फर्टिलिटी नहीं कर पा रहा है तो भी स्टेरिलिटी आया, प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है स्पर्मेटोजोआ का तभी स्टेरिलिटी में आया, तो आपको समझ में आ गया होगा तीनों पॉइंट्स प्रोस्टेटोमेगैली और इम्पोर्टेंट और साथ ही साथ आपका स्टेरिलिटी। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।